शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। क्योंकि तुम ही हो। बेटा बताया नहीं क्या कुरियर आया है? कि थप्पड़ तुम्हारे लिए सबक का काम करेगा। दूसरों की लाइफ में ताकझाक करने की बहुत आदत है ना तुम्हें, वो बंद हो जाएगी। हे महादेव, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से मुझे मेरे व्रत का फल जरूर मिलेगा। करण सर को पाने के लिए मैंने बड़ी श्रद्धा और सावधानी से ये व्रत रखा है। अब आपका प्रसाद लेकर मैं इस व्रत को पूरा करूंगी। काव्या को ये कोरियर किसने भेजा? यहां से तो पता चल ही जाएगा। मैम, ये कोरियर की डिटेल्स चाहिए थी। सर, ये कोरियर के बारे में जानना था, ये किसने भेजा है बता सकते हैं? सॉरी सर, ये एड्रेस तो गलत है। अगर फोन नंबर होता तो फोन और नाम मैं दोनों चेक कर चुका, दोनों गलत है। कैसे पता चलेगा कोरियर भेजने वाले के बारे में? और विशेष है, पर ये दोनों इतने डरे हुए क्यों है? हे, अच्छी तरह से ढूंढो, बचकर जाएगा काम पर। पंडित, यहाँ पे कोई लड़का लड़की भागते हुए आए क्या? बेटा, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ आने के बाद में दुनिया की भाग दौड़ खत्म हो जाती है। अरे पंडित, तेरा प्रवचन सुनने नहीं आया, जो पूछा है उसका जवाब दे। मैंने किसी को नहीं देखा। हे, तुम उधर देखो अच्छी तरह से, और तुम उधर देखो। ये रहे, यहां चुप के बैठे हो। आखिर किया क्या है इन्होंने ऐसा? तू अपने काम से काम रख। अरे बदले इसके, छोड़िए हमें। आप हाथ क्यों बांध रहे? छोड़िए, प्लीज छोड़ दीजिए। ये बोला ना, छुपे। काव्या कुफर? हाँ काव्या, बोल। हाथ क्यों बांध रहे? छोड़िए, आप ऐसा नहीं कर सकते। दूर आ, ये गैर कानूनी है। मैं छोड़िए काव्या, मैं कहती हूँ छोड़िए इन्हें। काव्या, कहाँ हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये लड़की ज्यादा काय काय मत कर और हमें कानून मत सिखा, समझे? कानून से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। देखिए, आप लोग ये गलत कर रहे हैं, ये सही नहीं है। आप छोड़ दीजिए प्लीज, आप गलत कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ छोड़ दीजिए।
सही और गलत का फैसला सिर्फ हम करेंगे। शिव शंभू, हर हर महादेव। लोटा अम्मा, हम महादेव के मंदिर में दर्शन करने थे आए ना। लोटा मोहन, प्रकाश बात को समझने में आप लोगों ने बहुत देर कर दी। अनुभव है इसलिए कहती रहती हूं, स्त्री पतंग और जवान बच्ची, इन्हें जरूरत से ज्यादा ढील दी जाए तो इनका हाथों से निकलना निश्चित है। राजमाता, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पिता होने का फर्ज सही से नहीं निभा पाया। हम आप ही को मानते हैं ग्वालियर में, और आप ही हमारी परेशानी दूर कर सकते हो। मगर हमारी एक शर्त है, हम जो निर्णय लेंगे वो अंतिम होगा। जी एकदम। मोहन, आप अपनी बेटी को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहां से दूर चले जाइए, कहीं दूसरे शहर में। जी चला जाओ। पिताजी, पिताजी, हमारी शादी गलत फैसला नहीं है, हमने ये फैसला सोच समझ कर लिया। पिताजी। गुड़िया, 10 का पहाड़ा पढ़ो। पढ़ो बिटिया। दस ए, 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 एकम दस दस दुनी बीस बीस, यही उम्र होगी बिटिया की। जवानी के जोश में लिए गए फैसले सही फैसले नहीं होते, क्योंकि वो अनुभव की कसौटी से होकर नहीं गुजरते। मोहन, अपनी बिटिया को ले जाओ यहां से। इन्होंने कोई गलत फैसला नहीं लिया। आप प्लीज इन्हें अलग मत कीजिए। लोटा जी माँ, लड़की से कह दो कि इस जगह उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी पूजा हो गई होगी तो यहां से निकल जाए। मैं आपसे विनती करती हूँ। आखिर हो कौन तुम, बच्चों के माता पिता से बढ़कर? क्या कर रही है? एमओडी, काम चाहिए ना तो हवेली पे आ जाना, यहाँ तो सिर्फ हमारे भोलेनाथ ही बोलेंगे। खुद भोलेनाथ ने इन्हें शादी की इजाजत दी है। इजाजत दे दी इन दोनों को? तो ठीक है, फिर देखता हूँ कि हमारे भोलेनाथ की इजाजत के खिलाफ कौन बोलेगा। लोटा शांत, सही तो कह रही हूँ। अगर शिवजी को मंजूर नहीं होता तो इन
की शादी नहीं हुई होती, जब वो इन्हें साथ लाए हैं तो हम कौन होते हैं एक दोनों को अलग करने वाले? माता पिता का लिया गया फैसला गलत हो सकता है, लेकिन भगवान का नहीं। बस कर। ए, ए, क्या काना फूसी हो रहा है? सही तो कर ये। इंसान का फैसला गलत हो सकता है, पर हमारे भोलेनाथ का फैसला कभी नहीं गलत हो सकता। ये एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक साथ जीवन बिताना चाहते हैं। हाँ प्लीज इन्हें अलग मत कीजिए। माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं तुम्हारे, राजमाता। थैंक्स काव्या, आज तुम्हारे वजह से हम दोनों की जान बच गई। अम्मा, अम्मा गलती हो गई क्या? अम्मा माफ कर दूँ। अम्मा मेरे से गलती हो गई क्या? अम्मा रुको ना, मैं हवेली पे कैसे आऊँ? हवेली पे कैसे आऊँगा? अम्मा मुझे छोड़ के क्यों चली गई? अम्मा माँ मैं ऑटो रुका के आता हूँ। ये क्या हो गया था तुझे? हाँ और बात को इतना बढ़ाने की क्या जरूरत थी? और कौन है वो दोनों जिनकी इतनी वकालत कर रही थी? माँ पर आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? और मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी? मैं तो बस उन दोनों की मदद कर रही थी ना। काव्या बेटा तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, जितने बड़े लोग उतना ही बड़ा उनका अहंकार। और अगर वो यहाँ से चुपचाप चली गई है तो ये मत समझना कि वो तुम्हारी बात मान गई। पर माँ आप तो अब चल यहाँ से, चल। चलिए भैया जल्दी चलिए। दादी माँ दादी माँ अब ठीक तो है ना? आपके लिए चाय लेके आता हूँ। चाय पीजिए और बताइए कैसी बनी। कैसी है? एक चम्मच शक्कर और डालो। वो लड़की इतनी बदतमीज, सुबह इतनी कड़वी। झूठ, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की माँ। माँ मुझे बस ये समझ में आता है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अलग करने का अधिकार किसी के पास नहीं होता। तू कब से प्यार करने वालों की तरफदारी करने लगी? शायद मुझे ये हिम्मत शिवजी ने दी। नहीं, हिम्मत नहीं हिमाकत। लक्ष्मण रेखा पार करने के बाद सीता माता को भी तिरस्कृत होना पड़ा था। दादी माँ कौन थी वो और उसने ऐसा क्या कहा?
करण ये पूछिए कि क्या नहीं कहा। वो अपना मोहन है ना ड्राइवर, उसकी बेटी और प्रकाश का बेटा दोनों ने घर वालों के विरुद्ध जाकर शादी कर ली। अब दोनों परेशान होकर मदद के लिए हमारे पास आए तो फिर हमने अपना फैसला सुना दिया कि लड़का और लड़की दोनों अलग अलग रहेंगे। मोहनलाल अपनी लड़की को लेकर दूसरे शहर चला जाएगा। वो राजी था मगर वहां मंदिर में सबके सामने एक मामूली लड़की ने हमारे फैसले के विरुद्ध आवाज उठाई। वो प्रेम विवाह का गुणगान करने लगी, प्रेम शब्द को इस तरह कह रही थी मानो उसे शर्म हया लज्जा कुछ है ही नहीं। दादी माँ, उस लड़की ने जो कहा ना वो आजकल की सच्चाई है। आजकल हर कोई अपना लाइफ पार्टनर खुद चुनना चाहता है। और दादी माँ, माँ बाप का आशीर्वाद हो तो गलत क्या है? मगर इसमें माँ बाप का आशीर्वाद नहीं था। और आप कब से प्रेम विवाह के समर्थक बन गए? दादी माँ, हे महादेव, हर प्रेमी जोड़ी पर आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपकी शक्ति से जैसे काजल और राजेश एक रिश्ते में बन गए, वैसे ही अपनी कृपा से मुझे और करण सर को भी विवाह बंधन में बांध दे। सच्चा प्यार करती हूँ मैं उनसे। विवाह के लिए प्यार की जरूरत नहीं है। हम एक जानवर भी घर में पाल ले तो एक महीने के बाद उसके लिए भी मन में प्रेम उमड़ता है, उसकी भी आदत लग जाती है। विवाह दो परिवारों को जोड़ता है, मान और प्रतिष्ठा जुड़ती है, पुरखों की पगड़ी का सम्मान और बड़ों का आशीर्वाद होता है। और फिर भवानी प्रताप सिंह के पोते का विवाह किसी ऐरे गैरे के साथ हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कुछ गलत कहा, आप चुप हो गए। दादी माँ, मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बिना बोले भी आप जानती हैं कि मेरा जवाब क्या है। दादी माँ, मैंने आज तक ना आपकी बात कभी टाली है ना कभी टालूंगा। करण, आपको एक काम करना होगा। बोलिए। बाल मुकुंद, ये क्या है? शादी के कार्ड। बताइए इसमें से आपको कौन सा पसंद है? मैं आपको कल बताऊं चलेगा? नहीं, अभी बताना होगा करण, दो हफ्तों में आपकी शादी है। अब बताइए आपको कौन सा पसंद है? ये वाला? क्या बात है, आपकी मेरी चॉइस एक ही है दादी माँ। वाव, सुंदर है। फाइनल ये वाला। हमें पूरा विश्वास है कि आज के युग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम सिर्फ आप है। हरी माँ, थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ, कुछ काम है। यशस्वी। अब एक मिनट, आपके पास वो डिटेल्स तो होंगी ना कि यहाँ से पिछले 3-4 दिन में कौन कौन से कुरियर्स गए हैं? है। प्लीज मुझे बताइए ना कि ये कुरियर कब बुक हुआ है। जस्ट वेट। सर कल शाम को 5 बजे। ये कुरियर यहाँ से 5 बजे बुक हुआ है। अब सर ये सीसीटीवी काम करता है? हाँ जी काम करता है। तो आप मुझे कल शाम के 5 बजे की सीसीटीवी फुटेज दिखा सकते हैं? एक इमरजेंसी है प्लीज। सर वैसे तो हम ये फुटेज किसी को दिखाते नहीं है, लेकिन आपकी इमरजेंसी को देखकर मैं कुछ कर रहा हूँ, 2 मिनट मुझे दीजिए। थैंक यू। हेलो, हाँ सिंह साहब। सर मुझे कल शाम 3 से 6 के बीच ये 3 नंबर सीसीटीवी कैमरे का फुटेज चाहिए। हाँ सर, अर्जेंट है, अभी भेजिए। थैंक यू।
सर 2 मिनट जी। हाँ सर आ गया। आ गया आप आइए मैं आपको दिखाता हूं। भैया ये लो। काव्या अच्छा एक बात बताओ तुम कॉलेज के टाइम पर मंदिर में क्या कर रही थी? माँ मंदिर जाने का कोई फिक्स टाइम थोड़ी होता है जब मन किया तब चली जाती हो। हाँ लेकिन मैं एक मिनट फ्रेंड से मिलके आता हूँ। हाँ मैं ये पूछ रही हूँ माँ इससे पहले कि आप 10 और सवाल पूछे मैं खुद ही आपको बताती। आज हमारे कॉलेज में 2 लेक्चर और उसके बाद सबको सेल्फ स्टडी करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर मैंने सोचा कि घर आने से पहले एक बार मंदिर हुआ तो बस। और फिर का क्या मतलब है माँ आपको ना CID में होना चाहिए। कितने सवाल पूछती हो। अच्छा ये बात बता क्या बातचीत हुई तेरी शिवजी से? क्या मांगा तुमने? जो मांगो वो बताना नहीं चाहिए। आप ही ने कहा था ना ऐसा? हाँ लेकिन मैं ये लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब ना मुझे बहुत भूख लगी जल्दी खाना खिलाओ। जरूर ये लो। आ गई काव्या। काव्या देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मुझसे मिलने? सोचो सोचो कौन हो सकता है। कौन आया मुझसे मिलने पापा? खुद ही देख लो। बेटा उठो। क्यों उठूं? कॉलेज तो नहीं जाना है ना? ट्रैक पर तो जाना है ना? पापा जी मान गए क्या? वैसा ही समझो। मैं कितना खुश हूँ। बेटा मैं काव्या को तुम्हारे भरोसे भेज रही हूँ ट्रैक पर। इसका ख्याल रख। काव्या और करण के इस खूबसूरत प्यार को महसूस कीजिए और अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।